بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اما بعد باب الوصاة بالجار. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبرائيل يوصى بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وعن ابي وعن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت قابل احترام غزروا دوستو ये आज का जो सबक है पड़ोसियों के साथ हसन सलूक हमारे कैसे हों ये बता रहे हैं अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के ज़रिए से जो माशरत का जो दीन हमें दिया है रहन सहन का जो तरीक़े हमें सिखाए हैं ये इतने आली हैं इतने बेहतरीन हैं कि अगर हम इन तलीमत पर अमल करें तो हमारे ज़रिए से दूसरे को कभी तकलीफ़ न पहुँचे और हमारी ज़ात से दूसरों को राहत का सबब बने माशरत की तालीमत की जो बुनियादें हैं उसमें एक ही बुनियाद है मेरी जात से दूसरे को तकलीफ़ न पहुँचे मेरी जात से दूसरे को राहत पहुँचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने कैसी खूबसूरत हसन माशरत हमें सिखाई देखे एक एक चीज़ इससे इस्लाम का तारफ भी होता है एक अच्छा पड़ोसी बनकर रहने से अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से हिदायत फैलाते हैं क्योंकि मुसलमान का हर अमल इसका जो है ये जरिया बनता है दीन के तारुफ का मुसलमान का हर अमल ये जरिया बनता है दीन के तारुफ का और ख़ास तौर पर इस माहौल में हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी है तो पड़ोसी अगर हम इस तालीम पर अमल करें जो हजूर अक्रम ने बताया तो क्या है इस्लाम का तारुफ होगा खदमत खल़ है इसका दरिया क्या है ये रास्ता है दीन का इसलिए अल्लाह अलैहि सल्हम को ख़िदमत खल़ के लिए पहले कबूल फरमाया बाद में नबूत के काम के लिए अल्लाह तु है दिया ये तरतीब है तो जितने भी हकूक़ हैं इस हकूक़ का मक़द मेरे ज़रिए से दूसरे को तकलीफ़ न पहुँचे मेरे ज़रिए से दूसरे को राहत मिले और अल्लाह ताला के दीन का तारुफ हो कि भाई ये मुसलमान है इस्लाम का मानने वाला है ये जहन में रखकर इन तलीमत को हमें सुनना है सीखना है और समझना है तीन बातें अर्ज करनी हैं ये जो बाब हम पढ़ रहे हैं दो तीन चीज़ें हो गई एक तो माँ बाप के क्या हकूक़ हैं दूसरा रिश्तेदारों के क्या हकूक हैं? अब तीसरी चीज है पड़ोसियों के क्या हकूक हैं? हमारा पड़ोसियों के साथ कैसे ताल्लुक हो इसमें तीन बातें हैं सबसे पहली बात हजूर अलैहि वसलम ने क्या हिदायत हमें दी है क्या हकूक हमें बताए हैं दूसरी चीज क्या हकूक बताएं तीसरी चीज पड़ोसी कितनी तरह के हैं कितने किस्में हैं पड़ोसियों की तो ये तीन चीज़ें हैं पड़ोसियों के लिए क्या हिदायत क्या आपने कहा क्या तरगीबें आपने दी दूसरा है कि पड़ोसी कितने किस्म के हैं और तीसरी चीज पड़ोसी कितने किस्म के होते हैं जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने पड़ोसियों की तीन किस्में बयान फरमाई फरमाया कि वलजार दिल वल जारी जुनुब व बिल बिलजम्प ये तीन किस्म के पड़ोस हैं अब तीन किस्म के पड़ोस उसके हक़ूक़ क्या क्या हैं तो पहले जो है ये देखें कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह तह फरमाया करती थी हजूर अक्रम फरमाते थे कि सलात वसलाम पड़ोसियों के बारे में इतनी उसने सलूक की इतनी ताक़ीद फरमाते थे कि मुझे ये ख़याल होने लगा कि सर रिस ऐसा लगता है कि मेरे माल में अब इनके लिए वरासत भी तकसीम होगी समझ रहे हैं कितना वरासत किसे मिलती है यानी जब ख़ास रिश्तेदार यानी मतलब इसीलिए इमाम बुखारी ने रिश्तेदारों के बाद इस 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 बाप को कायम कर रहे हैं जोड़ है पहले जो है ना माँ बाप फिर उसके बाद वो रिश्तेदार जो खूनी हैं फिर उसके बाद इनका क्यों हक बयान कर रहे हैं इसलिए कि अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वल् ने फरमाया जबरईल अलीसलातलम इतने पड़ोसियों के उनका ये हक है उनका ये हक है उनका ये हक है इतना बताते थे और ताक़द करते थे माँ ज़्याला अरबी में जाला कहते हैं हमेशा जो काम हमेशा हो बार बार हो कसरत से हो एक दो मरतबा नहीं तो आज हम सोचें हमारा इस मामले में कितना कितनी कोताही हमारी इसके अंदर है तो माजाला जिब्राइल यूसा बिलजार पड़ोसियों के बारे में वसीयत करना नसीहत करना ताकीद करना कि आप अपनी उम्मत को बताएं ये बताएं वो बताएं क्या हती यहां तक कि मुझे ख्याल होने लगा अब तो ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में क्या होगा कि अब जो है ये हुक्म आने लगेगा कि अगर किसी का इंतकाल हो तो फिर क्या करें भाई पड़ोस को भी जो है हमारा मान जाए अब इसकी अहमियत दिखे आगे हदीस है हज़रत अबू शराजाई रजी अल्लाह तु फरमाते हैं कि रसूल सल्हम ने फ़रमाया कि जो शख्स अल्लाह पर आखिरत पर यकीन रखता है बिल आखिरती हम युकिन आखिरत पर यकीन ये यकीन बहुत ज़रूरी है यही यकीन आदमी को जो है नकूक़ पर लाता है इसी लिए दुनिया में अल्लाह के इनकार करने वाले कम हैं आखिरत का इनकार करने वाले ज्यादा हैं कंपेयर अगर करें तो अल्लाह के अल्लाह का इनकार करने वाले लेकिन आखिरत के इनकार करने वाले बहुत ज्यादा हैं बस इसको खत्म ही कर दो मानना ताकि जिंदगी क्या हो जाए आजाद हो जाए वो बिल आखिरत ही हो यूर आप देखिए फरमा जिसका यकीन हो आखिरत पर मुझे खड़े होना है। मुझे अल्लाह के सामने ये यकीन जब बनता है तो फिर वो क्या क्या उसके अंदर से वो अपने पड़ोस के लिए हसन सलूक करता है हज़रत हकीम हजरत थानवी का मशहूर वाक़ है स्टेशन पर खड़े हैं किसी ने हज़रत को हदीये में जो है गन्ना जो है ना गन्ना हदीये में दिया एक तो हज़रत ने कहा ठीक है कहा अपने साथी से कि इसकी जो है ना इसको वेट करा कर क्या कराएं इसकी टिकट करा दे यानी इसको वेट करा के इसकी जो है इसके पैसे ले लें जो भी होता है इसका तो वहाँ एक साहब खड़े थे हजरत को जानते थे उन्होंने कहा हजरत इस इस ट्रेन का जो है मैं टिकेट मास्टर हूँ आप फिक्र ना करें मैं कह दूंगा कोई मसला नहीं हो जाएगा तो हजरत ने फरमाया कि भाई नहीं मुझे आगे जाना है मुझे आगे जाना है तो उन्होंने कहा नहीं एक काम करें वो आगे ये आगे कह देंगे नहीं मुझे और आगे जाना है कहने लेकिन वो आगे उनको कह देंगे तो हजरत ने फरमाया मुझे और आगे जाना है ये जुमला हमें याद रखना है मुझे आगे जाना है तो उन्होंने कहा कहां जाना है बा मुझे आखिरत जाना है ये जो यकीन है ना मुझे आखिरत जाना है सीधी बात है अल्लाह ताला वही सवाल करते हैं मरने के बाद उठना नहीं है क्या अला उलाई का अन्नासून लियोमिन आजीम योम यकूमन्नासलब्बिलमी यकीन नहीं है अल्लाह ताला सवाल कर रहे अलायन उलाई का अन्मबून अगर इसका यकीन होता ना तो फिर वईलमतफ़ी अदीन इज्तलना सस्तौफ़ून वईजा कालोह मवज़न यकसरून कभी वो किसी का हक़ नहीं मारते थे क्योंकि वहाँ पर पूछा जाता है हिसाब वहाँ पर होगा तो ये चीज़ है दोस्तों ये ये असल में यही चीज़ फ़िक्र बनाना है इस फिकर के साथ हमें चलना है हाँ इस फिकर के साथ हमें चलना है असल मादियत की दुनिया में ये भी हर तरफ माद्य मादियत है दुनिया 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 हमें जो इस वक्त चलना है इस यकीन के आखिरत के यकीन को लेकर चलना है अगर इस यकीन को लेकर नहीं चलेंगे ना तो फिर तो जो है अपनी ज़ात से दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे और फिर क्या है दूसरों को दूसरे भी हमें नुकसान पहुंचाएंगे इसीलिए बहुत ज़रूरी है फरमा देखिए ना जो आखिरत पर यकीन रखता है वो तीन काम करेगा क्या है अपने अपनी जबान से या तो खैर का खैर की बात कहेगा या खामोश रहेगा और फिर फरमाया वो अपने मेहमान का इकराम करेगा और यहाँ पर हदीस में फरमाया वो अपने पड़ोसी के साथ एहसान करेगा अच्छा सलूक करेगा तो हजूर सल्ला वम तरगीब दे रहे हैं एक और रिवायत है रसूल सल्ह वसलम ने फरमाया तफसील तो बहुत है इसमें लेकिन अब आप, आपको जो है ना तीन क़स्म के पड़ोस हैं क़ुरान पाक में सरह नसा में जो है अल्लाह ते एक आयद बयान फरमाई है वबुदुल्ला वला तशरीको भी शयाँ व बिल वाली अहसाना व बिल दिलक़रबा वलियतमा वलमसाकिन फिर उसके बाद वलजार दिलक़रबा वलजार जुनूब व साहिब बिलजम अब यह तीन कैटेगरी हैं पड़ोस की और ये तीनों कैटेगरी हमारी जिंदगी से जुड़े हुए अब हम इनके हकूक अदा करना है पहले वो तीन कौन है सबसे पहले दिल कुरबा, करीबी पड़ोसी नेक्स्ट डोर वाला चाहे लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो या पीछे हो जो नेक्स्ट डोर होता ना जिसका दरवाजा बिल्कुल हमारे दरवाज हमारी जिसकी दीवार हमारी दीवार से लगी हुई चाहे वो दाए हो बाए हो चाहे पीछे हो ये है वल जारी दिल ये।, ये सबसे पहले कैटेगरी है वलजा रिदिल कर्बा दूसरा कौन है वलजारिल जुनूब दूर का पड़ोसी पड़ोस हैं लेकिन दूर रहते हैं गली में रहते हैं महल्ले में रहते हैं और तीसरे हैं व बिल बिलचम पास में बैठने वाले ये तीन अलग अलग हैं और तीनों के हकूक़ बयान फरमाएं सबसे पहले कौन है वलजार दिलक़रबा क़रीबी पड़ोसी करीबी पड़ोसी में देखिए एक मसला है फिका में एक जो जितनी किताबें फिका में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें एक किताब है एक बाब है शफा हक़ शफा हक शफा किसे कहते हैं एक मुस्तिल एक चैप्टर है बाब शफ़ा उसमें जो है मुस्तकिल मसायल है पड़ोस का हक मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना घर बेचना चाहू तो अगर मैं घर मैं अपने पड़ोस को बताए बगैर भेज दू बेच दू तो ये जो है मुकदमा दायर करेगा कि ये मेरा हक था इसने मेरा हक मारा है ये डील कैंसल करो मुझे ये घर दिलाओ तो इस्लामी अदालत क्या करती है वो जो मामला हो चुका है उसको खत्म करके फिर इससे बाद इसको डील दिलाती है समझ रहे ये है हक शफा कि अगर मुझे बेचना है घर तो सबसे पहले किससे किसको पेश करना है अपने पड़ोस को यह है हक शफा इसको कहते हैं और यह करीबी रिश्तेदार कर, करीबी पड़ोसी यह है हक और दूसरा है वलजारिल जुनूब दूर के पड़ोसी उसमें गैर मुस्लिम देखिए ना जितने भी हकूक हैं पड़ोसियों के ये इंसानियत की बुनियाद पर हैं मुसलमान की बुनियाद पर नहीं है कि भाई मुसलमान है मुसलमान हो तो और बाज मुफसरीन ने वल वारदरबा में ये भी तफसीर की है करीबी हो मुसलमान हो वल जारिल जुनुब में फरमाया करीब हो और गैर मुस्लिम हो और तीसरे पड़ोसी कौन है वह साहिबी बिलजम्प जो करीब में बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए ट्रेन में फ्लाइट में हमारे कुलीग हैं हमारे साथ काम करते हैं आठ घंटे हमारे साथ बैठते हैं मीटिंग में थोड़ी देर बैठे हुए हैं नमाज में थोड़ी देर आके सफ़ में खड़े हो जाते हैं उनके भी हकूक हैं हजूर अक्रम सल्ला वल्लम ने जो फरमाया कि जब तुम मस्जिद में आओ तो अपनी कोई ऐसी चीज खाकर ना आओ जिससे तकलीफ हो लहसन ऐसी बदबो ना हो कि जिस बदबू की वजह से तुम्हारे पड़ोस को तकलीफ हो लहसन से जो है ना फरिश्तों को भी तकलीफ और जो पड़ोस में खड़ा हुआ मुसली है उसको भी तकलीफ ये मना कर दिया आपने इसीलिए और फरमाया आप जानते हो सबसे बेहतरीन नमाजी कौन है सबसे बेहतरीन नमाजी वो है जिसके मोढ़े नरम हो यानी जिसके दाए बाएं खड़े होने वाले को तकलीफ ना पहुंचे यह वसाहे भी बिलजम के मेरे साथ थोड़ी देर के लिए अब बयान में बैठे हैं दस पंद्रह मिनट के बयान में बैठे हक कायम हो गया हक कायम हो गया और इसी तरह जितने हमारे सोशल मीडिया ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है ना ये सब व साहेबी बिल जम है फेसबुक में जितने हमारे साथ हैं व्हाट्सएप में जितने एक एक ग्रुप है व्हाट्सएप में उसमें जितने हैं सौ लोग हैं ये सब साहेबी बिलजम है क्या हक है इनका इनका यह सबसे बुनियादी हक यह है कि मेरे जात से उनकी दिल ना हो मेरी जात से ऐसा कमेंट्स ऐसी बात उसमें मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए जिससे उनको तकलीफ हो वाहब बिलचम पड़ोस में हजूर अक्रम सल्ला मस्जिद में बैठे हुए हैं पूरी मस्जिद खाली है एक शख्स तशरीफ लाए तो हजूर सल्लाह वम उनके आने पर अपनी जगह से थोड़ा हटकर बैठे हालांकि पूरी मस्जिद खाली है जगह हटने की ज़रूरत नहीं है फरमाया जब तुम में से कोई शख्स आए तो उसका इकराम करो ये है वसाबी बिलजम ये माशरत इससे क्या होता है देखिए ना ये जो इस्लामी माशरत की जो तालीमात हैं इससे माशरे के अंदर एक मोहब्बत का माहौल पैदा होता है कराबत का रिश्तों का ताल्लुक का माहौल पैदा होता है और ये जो है ना इस्लाम के तारफ का जरिया बनता है मुसलमान का पड़ोस जो है ना बहुत कीमती है अब्दुल्ला अबन मुबारक रहमतल्ला अपना घर बेचने लगे अपना अब्दुल्ला अब मुबारक का पड़ोस जो था पड़ोसी जो था उसने अपना घर बेचा उसने कीमत लगाई दो हजार दिरहम की लोगों ने कहा ये घर तो हजार का है तुम दो हजार का कैसे बेचते हो कहा एक हजार तो घर की कीमत है और एक हजार अब्दुल्ला मुबारक का पड़ोस है तुमको ऐसा पड़ोस कहां मिलेगा तो मुसलमान का पड़ोस कि उसकी कीमत बढ़ जाती है इसीलिए अरबी में मुहावरा है उतलुबारबल कब... घर से पहले पड़ोस तलाश करो कि भी पड़ोस कैसा है आगे एक रिवायत इमाम बुखारी रहमे ने बड़ी अजीब यह मुस्तकिल एक बाप कायम किया बाप अलजार उसू बदतरीन पड़ोसी और वहां पर एक दुआ हजरत अबू हजी फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में यह दुआ थी اللهم اني اعوذ بك من جار سو اللهم اني اعوذ بك من جار سو في دار المقام فانا جار الدنيا يتحول देखो बदतर पड़ोसी से पना मांग रहे आदमी को बुरा पड़ोस मिल जाए ना फिर उसकी जिंदगी अजीरन बन जाती है तो इसीलिए जो है ना इसका ख्याल रखना अच्छा हुकूक क्या-क्या हैं सबसे पहला हदीस की रोशनी में सबसे पहला हक हाँ, अगर कोई पड़ोसी जरूरतमंद हो या उसको कोई हाजत हो तो उसकी हाजत अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी हिम्मत के मुताबिक ताकत के मुताबिक उसकी जरूरत पूरी करना है यह हक हाँ है उसका मेरा पड़ोस में जॉब चली गई या परेशान है कोई हाजत है कोई जरूरत है अब उसके लिए क्या करें मेरे पास हैसियत है मेरे पास वसात है ता हिम्मत है मैं उसकी हेल्प करूं मैं उस जी ये सबसे पहली चीज है कुरान पाक में एक सूरत है आरई तल्लबीन फदा कल्लदी ये उस सूरत का नाम है सूरत माउन।, माउन किसे कहते हैं माऊन कहते हैं जो रोजाना इस्तेमाल करने वाली चीजें रोजाना इस्तेमाल करने वाली तेल है नमक है शकर है आज के दौर में वाईफाई है है ना करें? नहीं कर सकता तो? नमाज भी पढ़ते हैं और ये नमाज तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी नहीं पैदा करती तुम इतनी छोटी छोटी चीजें उन्हें शेयर ना करो वाऊन माउन कहते हैं है, मेरे मुझे जरा नमक चाहिए मुझे ये फलान चाहिए छोटी छोटी चीजें जिसके देने से कोई हमारी जिंदगी में नुकसान नहीं आता हाँ तो ऐसी चीजें अल्लाह ताला कह रहे हैं ये नमाज भी पढ़ते हैं इनकी नमाज इन्हें इस बात पर नहीं खड़ा करती फराइज क्यों दिए गए ज़कात क्यों दी गई इन माली जकत माल में अल्लाह ने जकत के अलावा भी हक रखा है कितने हमारे दीन के तकाजे मसाजिद के मदारिस के जरूरतों के कितने तकाजे हैं नहीं ज़कात से ही हम अदा करेंगे नहीं हो सकता ज़कात के जरिए से मिजाज बनाया जा रहा भाई उस पर आओ नहीं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने फरमाया सबसे पहली चीज क्या है दूसरी चीज अगर उस कर्ज का मतालबा करे एक पड़ोस आकर कहे कि मुझे कर्ज चाहिए और वाकई वो कर्ज का जरूरतमंद है तो उसको अगर तुम्हारे पास इतना माल है तो वो कर्ज अदा करे लेकिन यहां पर उलमा ने दो चीजें लिखी हैं अगर वो कर्ज मांग रहा है अपनी जरूरत के लिए जैसे खाना पीना दवाई बुनियादी जरूरत तो और तुम्हारे पास पैसा है जितना वो पूछ रहा है तब तो वाजिब है उसको कर्ज देना लेकिन वो अगर ऐसी जरूरत के लिए पूछ रहा है जिस जरूरत के न पूरा होने पर उसकी जान का खतरा नहीं है तो फिर हुसन सुलूक में आता है अगर कर्ज दे दें तो बहुत अच्छा है हकीम का बेहतरीन उसूल है हम सब उस पर आ जाए कर्ज देने पर तो मोहब्बतें भी रहेंगी कर्ज भी देते रहेंगे अगर कोई शख्स कर्ज पूछता हजरत के पास तो हजरत इतना कर्ज देते कि वो वापस ना करता तो तकलीफ भी नहीं होती कर्ज अगर कोई पूछता मुझे चाहिए दस हजार डॉलर अगर कोई पूछे तो उसको कितना दे अगर वो वापस ना करे भाई मेरे पास इतने, इतने की इतनी की गुंजाइश है और भी मेरे तकाजे हैं इतनी की गुंजाइश है अगर वो दे ना दे तो फिर हजरत फरमाते ना दिया तो मैं माफ करता एक चीज से दो सवाब, कर्ज देने का भी सवाब और कर्ज माफ करने का भी सवाब। वन तसद खैरलकुम अल्लाह फरमाते माफ कर दो ये कर्जा बेहतर है तो दो चीजें होंगी कर्ज अगर पूछ रहे देना क्योंकि पड़ोस है ये पड़ोसी का हक है और तीसरी चीज अगर कोई खुशी उसके घर में आए कोई प्रमोशन मिल गया कोई जॉब मिल गई कोई कार माशाल्लाह देखे पार्किंग लॉट में कार खड़ी है देख हाँ। देखिए हसद नहीं है क्योंकि अगर उसकी खुशी में शरीक होना मुबारकबादी में उसको मुबारकबादी देना भाई माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी नेमत दी मुबारक हो और दिल से क्योंकि ये सब चीजें जो है नहीं सुन्नत समझ कर करेंगे तो उस पर असरा अल्लाह डालेंगे एक रिवाज समझ के नहीं ये बात अर्ज की चाहे सलाम चाहे हदिया चाहे ये सब चीजें रिवाज समझ कर नहीं तकल्लु के साथ नहीं तो फिर ये रिवाज ये सब इसमें असरा नहीं पड़ेंगे सुन्नत समझ कर वाकई माशा आपके दोस्त को जो है जॉब मिल गई भाई मुबारक हो माशा अल्लाह बरकत दे मुबारकबादी से दुआ देने से खुशी में शामिल होने से अल्लाह हमारे दिल को हसत से बचाते हैं क्योंकि जब दाएं बाएं रहते हैं माशाला कुछ तरक्की हो गई घर घर में कोई चीज कोई नेमत आ गई किसी भी शक्ल में वहां पर शैतान क्या करता है वहां पर जो है शैतान हसद लाता है फौरन हमें भाई माशाल्लाह मुबारक हो बहुत खुशी हुई अल्लाह बरकत दे इब्ने हाँ। अब्बास रजी अल्लाह एक रजियाल्लातबा हरम में दो रकात नमाज पढ़े नमाज पढ़ने लगे किसी ने पूछा हजरत इस वक्त कौन सी नमाज आपने पढ़ी है फरमाया मैंने सुना कि वहां तारीफ में जो है जबरदस्त बारिश हुई और उस बारिश की वजह से वहां अंगूर की फसलें बहुत अच्छी आई ओ अच्छा तो आपका बाग है वहां पर आपका बाग है कहने लगे मेरा तो नहीं है लेकिन मेरे दोस्तों का है तो उनकी फसलों में उनकी फसलों में बरकत हुई तो मुझे खुशी हुई तो अभी जो है इस सफर में काइफ जाना हुआ माशाल्लाह पूरे काइफ में सबसे बड़ी जो मस्जिद है ना मस्जिद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है और वहां इतनी किस्म के अंगूर है और वहां के अंगूर तो सुबहान अल्लाह नापा से भी बेहतर है <laughs> तो एक तीसरी चीज तीन चीजें हो गई चौथी चीज है कोई अगर गम हो कोई अगर परेशानी हो किसी भी किस्म की परेशानी उसकी परेशानी में जाकर उसका साथ देना उसको तसल देखिए ना हमेशा क्या है किसी इंसान आगे मुस्तकिल अबवाब है कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी में वो कलीमात कहना चाहिए जिससे उसके गम को हल्कापन जिससे उस तसली मिले उसके गम को बढ़ाना नहीं हम समझते हैं ताजियत का मतलब उसको रोना और खुद रोना और रुलाना यह ताज़ियत नहीं है मिसाल के तौर तो पर किसी घर में कोई हादिसा हो अल्लाह ना करे वहां पहुंचकर जैसी इमोशनल बातें करना कि हम भी रोते रहे वो भी रोता रहे ये सुन्नत नहीं है ताजियत ऐसे जुमले उसका गम हल्का हो उसको सब्र मिले उसको तसल्ली मिले ऐसी बात और पांचवी चीज है अगर वो बीमार हो तो उसकी इयादत करे इयादत बहुत जरूरी बीमार हो पता चले भाई ये आदत हमारे गली में कोई बीमार उसकी इयादत बड़े फजाइल हैं इसका भी मुस्तकिल एक बाब है उसके आदाब हैं हाँ। और इयादत इयादत भी ऐसे ही है कि में मरीज का ख्याल रखना चाहिए मुबारक रही बीमार हो गए लोग आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं इयादत के लिए हजरत के पास हजरत को आराम का वक्त ही नहीं मिल रहा है और एक साहब बैठे हुए हैं जा ही नहीं रहे तो हजरत ने कहा बस लोगों में मुरवत होती है ना वो ओपन नहीं कहते जरा बस लोग माशाल्लाह स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं बस लोग मरोवत साहब साहेब मरोवत होते हैं ज़रा समझ में नहीं आता कैसे उनको बताना तो हजरत ने फरमाया आराम का वक्त ही नहीं मिल रहा है तो वो जो साहब बैठे थे ना उन्होंने कहा जी हजरत मैं देख रहा हूं जब से लोग बहुत आ रहे हैं आपको तकलीफ दे रहे हैं अगर आप बोलें तो मैं दरवाज़ा लॉक कर दूं तो हजरत ने फरमाया बहुत अच्छा है लेकिन एक काम करो बाहर से कर लो दरवाजा बाहर से लॉक कर तो जो है ना ये ता, ताजियत के आ, तरीका एक मुस्तकिल हमें सिकारे। ताजियत बहुत बड़ी फजीलत मनाजारा अखन फ़िल्ला। कितनी बड़ी फजीलत फरिश्ता पुकार कर कहता है अंकब तब मुबारक हो आपका चलना आपका चलना बहुत मुबारक हो आपकी इस चलने से जन्नत पे टिकाना बन गया किसी मरीज की इयादत करने पर वहां अल्लाह की राहमत को पाएंगे अब जाके उसको तकलीफ देना ही समझ लेना और और बड़ी आगे एक, एक और हदीस कि रसूल सल्लाम ने फरमाया अगर तुम अपना घर बनाओ उसकी दीवार इतनी लंबी न करो कि जिससे तुम्हारे पड़ोसी की हवा रुक जाए सुबह देखिए ना वाह ये तालीमांत अगर मुआशरती जिंदगी में अगर आए कितना खूबसूरत अल्लाह के दिन का तारुफ होगा अल्लाह का दीन जो है ना कैसा फितरत के मुताबिक है ऐसा है एक सवाल का जवाब दे दीन फितरत की सबसे बड़ी अलामत क्या है जो दीन फितरत होता ना वो पूरी चौबीस घंटे की जिंदगी में उसकी रहबरी होती है और जो दीन फितरत नहीं होता हो सकता है उसमें इबादत के कुछ तरीके हों लेकिन वहां पर ये सब चीजों के तरीके नहीं होते इस्लाम के हक होने की दलील फितरत होने की दलील क्या है कौन सा तरीका आप लेकर आए जिसमें हमारे लिए रहबरी ना हो और अजीब बात है कि एक यहूदी ने कहा बहुत अजीब लहजे में कहा कि तुम्हारे नबी तो इस्तिजय का तरीका बताते हैं तो हजरत सलमान फारसी रजील ने फरमाया ये हमारे लिए तो प्राउड की बात है कि हमारे नबी तो इस्तंजय का तरीका भी बताते हैं तो यह फितरत वाला दिन है और फिर चौथी बात सातवीं बात है फरमाया कि अगर तुम अपने घर में कोई चीज में एक वाकया हमारे पड़ोसियों के हक अदा करने में कैसा इन्हें एक बहुत बड़े बुजुर्ग उनके घर में जो है ना चूहे आ गए चूहे तो किसी दोस्त से उन्होंने कहा कि घर में चूहे आ गए हैं क्या करना है कहा बिल्ली पालने सब खत्म हो जाएंगे अच्छा खामोश हो गए फिर कुछ दिन के बाद जो है कहा बहुत चूहे परेशान कर रहे हैं घर में जरत मैंने कहा था आपको बिल्ली पाल लें बिल्ली पाल जाएगी तो बस चूहे जब सब, खासा, सब खासा, शिकार कर लेगी सब खत्म हो जाएंगे तीसरी मरतबा फिर उन्होंने कुछ अरसे के बाद फिर वही बात कह दी है तो आपने नहीं किया कह लगा असल मसला क्या है मालूम कि अगर मैं बिल्ली लेके आऊं शिकार कर ले ठीक है लेकिन वो चूहे डर के पड़ोसी के घर चले जाए यह है मसला पड़ोसी के घर चले जाए फिर क्या होगा समझ रहे ये है दोस्तों यहां एक रिवायत है तो इमाम बुखारी र्ला ने फरमाई साहब इक्राम का मामूल था उमर रजी अल्लाह हजरत जुबैर रजी अल्लाह तुम उनके पड़ोस में यहूदी थे की सीरत पढ़े मक्के में आपके पड़ोसी हा? हकम निबिन आज के अलावा सारे पड़ोसी आपके नॉन मुस्लिम थे मक्के में और मदीन मुनवर में आपके पड़ोस में कौन थे उनके साथ हजूर सल्लाम का बर्ताव कैसा था

उसकी खुशबू से अपने पड़ोस को तकलीफ ना दे ये कब अगर इतनी उसात नहीं है कि मैं उसके सालन को ज्यादा करके उस तक पहुंचाएं उसकी खुशबू से क्या ना करो उसको तकलीफ ना दो हाँ अगर उसात है थोड़ा पानी मिला लो और थोड़ा सा उसको पहुंचा दो छोटी बात लेकिन कितनी ताकतवर बात है इसीलिए मुआश यही ना ये नबू नबी हजूर सल्ला का ये जो मुआरा है ये इंसानी मुआरे पर असर डाले हजरत हजरत जी मौलाना इनाम उलहसन साहब नाम नहीं लेता उस मुल्क का मैं अभी कुछ दिन पहले हज़रत की सवाने में वाक पड़ा हजरत जो है एक इलाके में तशरीफ़ लाए एक मुल्क में जो वेस्टर्न कंट्रीज में एक मुल्क था तो वहाँ आकर जो है ना हजरत हजरत वहाँ इज्तम के लिए तशरीफ़ लाए थे तो वहां के कुछ साथियों ने हजरत से कहा हजरत अल्हमदल्ला यहां पर तो सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान हैं थोड़ हर, जब हम आए थे यहां पर तो बहुत से जो है गोरे थे एक 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 करके सब चले गए उन्होंने ऐसा कहा कि हजरत खुश हो जाएंगे माशाल्लाह। तो हजरत ने फरमाया तो यह कोई तरीका है कि आपने एक एक करके उनको निकाल दिया और इस पर खुश हो रहे असल तो मसला यह था कि आप अपने अखलाक के जरिए से उनको मुतासर करते वो दीन में आते ये चीज असल है ऐसा नहीं कि भाई एक एक ऐसा करें कि बस वो निकल जाए नहीं इसीलिए बड़ी बड़ी डरने की बात है एक खातून के बारे में फरमाया ना तहजद पड़ती है लेकिन पड़ोसियों को नाक में दम करके रखा था परेशान करती थी तहजद पड़ती है आपने फरमाया उसकी तहजद उसको जहन्नम से नहीं रोकेगी मसला ये है दोस्तों तो ये जो दीन इस्लाम है इसकी जो बुनियाद हैं ये हैं तो तीन तीन ती, अच्छा और अगर देखिये ना ये चीजें हैं हजूर सल्लाम ने हमें बताई है और अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में उसके जनाजे को तैयार करे करें। हिंदुस्तान में लॉकडाउन के मौके पर कितने इलाकों में यह कारगुजारी आई कि नॉन मुस्लिम कोविड में आकर वो लोग जो है ना घरों में मर गए और उनके घर वालों ने उनको जो है ना क्या है क्या है कि भाई कहीं हम इंफेक्टेड ना हो जाएं बस वो दूर हो गए मुसलमान उस इलाके के वो लोग जो है माशा आगे बढ़कर उनको जो है ना उनके तरीके से उनको जो है ना सुपुरद खाक कर दिए तो ये एक तरीका है ये हक है इसमें यह नहीं कि भाई मुसलमान है गैर मुस्लिम है कोई नहीं है भाई इंतकाल हो गया बस उसको जो है ना क्या करो उसके जो है ना उसको जो है उसके जिसम को पहुंचाओ उसकी जगह पर ठिकाने लगाओ तो इसमें मुसलमान है तो बहुत अच्छी चीज है नॉन मुस्लिम है तब भी उसके लिए ये हक है और ये जो हकूक है ना ये इस्लाम के तारुफ का जरिया है दोस्तों ये बात हमें जहन में रखना है ये जो हकूक हैं पड़ोसियों के एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के एक इंसान के दूसरे जब ये हमारी ज़िंदगियों में आते हैं इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमें एक अच्छा मुआशरा और वो मुआशरा जो है ना इंसानी मुआशरे पर असर डालता है अल्लाह ने हमें इसीलिए जो है ना ये दीन नमत हमें अता फरमाई इसको हम सीखें और आखिरी जो मैंने अर्ज किया कि वसाही बिल जम हमारा जो वक्ती पड़ोस होता है ना बयान में नमाज में ऑफिस में व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो है ना इसका भी बहुत ख्याल रखना उसका क्या ख्याल मेरे जरिए से उसकी दिल आजारी ना हो मेरे जरिए से उसकी दिल आजारी ना हो मेरे बिहेवियर से मेरे अमल से ना यहां तक कितनी बात बताएं सुबहानअल्लाह क्यों भाई कि आपकी आपके मुंह की स्मेल से चाहे प्याज हो चाहे वो कोई मतलब सिगरेट हो इस चीज़ से भी जो है ना उसको तकलीफ ना पहुंचे तकलीफ ही ना पहुंचे साफ करके आना इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई वो मस्जिद में ना आए जिसके मुंह से प्यास की बदबू आती है मतलब ये है कि वो साफ करके आए अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए अल्लाह तबारक वाली इन हुकूक की रियायत करने की तौफीक नसीब फरमाए तो ये और एक हदीस में पढ़ के अपनी बात खत्म करूं हमेशा जैसे बदतरिन पड़ोस है ना जारु सालह नेक्स्ट पड़ोस फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन साआदत अलमर आदमी की खुशनसीबी नेक बख्ती उसकी उसकी अलामतों में से एक अलामत क्या है सुभान अल्लाह अल मस्كنुल वासीअ वल जारु सालह वल मरकबुल हनी तीन चीजें अगर अल्लाह ने दी हैं सबसे पहली चीज क्या है एक है तो वाला मकान अलमस्क वासे वासे का मतलब फिजिकली भी वसात हो और दिलों में भी वसात हो घर अपार्टमेंट का है लेकिन घर में मियाँ बीवी बच्चे सब माशा बड़े अच्छी मोहब्बतों के साथ है। ये बहुत बड़ी शहादत की बात है खुश रहना खुश रखना घर में एक दूसरे को और घर बड़ा हो अल्हदुल्लाह की नहमत और दूसरी चीज वलजार अच्छा पड़ोस ये अच्छा पड़ोस हमें सहाबा जब किसी इलाके में जाते थे अल्लाह से जो दुआएं मांगते थे उसमें यह भी दुआ मांगते या अल्लाह हमें अच्छा पड़ोस अच्छा दोस्त फरमा अच्छा दोस्त अच्छा पड़ोस हमें फरमा और फिर तीसरी चीज़ अच्छी सवारी अच्छी सवारी अच्छी सवारी ये भी अल्लाह, ये आदमी की क्या है शहादतों में से एक शहादत है अल्लाह तला हमें अमल की तोफीक नसीब फरमाए इन बातों पर سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله